अस्सलामुअलैकुम। तो आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम द असेसमेंट वीक। तो ऑलमोस्ट एम कैट को 14 डेज़ या 13 to 14 डेज़ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ना मैं बता दूं कि इन 14 डेज़ में प्लान कैसे करना है, मतलब आपने पढ़ना कैसे है। तो 14 डेज़ में से ना पहले 5 डेज़ आपने बायो को देनी है, अगले 5 डेज़ फिजिक्स को और एंड में फिर केमिस्ट्री को। द रीज़न बीइंग इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मैंने नहीं डाला क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को ख़ास कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश वही FSC वाली होती है और वो सिंपल सिंपल देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग चाहे बंदा कर भी ले तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ना भी करे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, टोटली लक वेस्ट है। बायोलॉजी को मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी कैसे करनी है। जो पहले 2-3 दिन है आपने उसमें इंटेंस बुक रीडिंग करनी है। इसका मतलब क्या है कि आपने बुक को, हर चैप्टर को, हर PMC के आउटकम को कवर टू कवर जो है ना रीड करना है, ठीक है। तो फिगर हो गए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई उसको भी इसी तरीके से रीड करना है। मतलब जब आप किसी भी चैप्टर को रीड करें तो आपने एक्टिवली रीड करना है और उसके हर एक लाइन की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 दिन यही करना है। तो सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग पे तवज्जो देनी है पहले 2 दिन। उसके बाद जो थर्ड डे होगा उसमें आपने जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे फ्रॉम FTB वो आपको PDF में कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, तो आपने उनको जो है ना रीड दे देना है क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर PMC ने बनाया है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे, कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो PTP में मौजूद नहीं होती हैं लेकिन FTP में होती हैं, तो ये लाजिम है। उसके बाद 4th डे पे आपने जो है ना MCQ उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारा दिन MCQ उस प्रैक्टिसिंग पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 5th डे पे अब अपने क्या करना है, जब आप 4th डे पे MCQ उस प्रैक्टिस कर लें, जब आपका दिन ख़त्म होने वाला हो, जबकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने अपने साथ एक पेपर रखना है और उसके ऊपर जिस चैप्टर की या जिस टॉपिक की ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं उसको जो है ना नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जब आप 5th डे आएगा तो आपने उन वीक टॉपिक्स को दोबारा रीड करने हैं, ठीक है। तो ये था बायोलॉजी। अब बारी आती है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में ऐसे करना है कि जो पहला दिन है उसमें बुक रीडिंग करनी है। रीज़न कि बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो रीडिंग नहीं करते फिज़िक्स की, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, और जब कोई फैक्चुअल MCQs आता है तो वो फिर खाली बैठे होते हैं। हर MCQs न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो फैक्चुअल MCQs होते हैं वो बुक से ही उठाते हैं, तो ये रीडिंग ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी रीडिंग ज़रूरी है। तो 2nd डे के ऊपर आपने जो है ना लेक्चर वॉच करनी है, ठीक है। जो जो आपके पहले वीक पॉइंट्स हों उनके लेक्चर वॉच कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा अगर टाइम बचे तो बाकी भी देख लें। और 3rd डे के ऊपर जो है ना MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वही सेम लॉजिक जो पहले बता चुका हूँ कि एक पेज साथ रखें और जो जिनकी ज़्यादा मिस्टेक्स हों जिन टॉपिक्स की उनको जो है ना नोट डाउन करते जाएं, और 4th डे के ऊपर उनके जो वीक टॉपिक्स के लेक्चर देख लें, ठीक है। और 5th डे के ऊपर फिर दोबारा प्रैक्टिस करें MCQs की। रीज़न मैंने ज़्यादा जो है ना MCQs प्रैक्टिस के ऊपर एम्फेसिस किया है, उसकी वजह ये है कि फिज़िक्स सोलली प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और जितना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। लास्ट में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को कैसे करना है, केमिस्ट्री को पहले 2 दिन आपने बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट करना है, ठीक है। रिएक्शंस को बड़े गौर से देखना है, इनऑर्गेनिक को गौर से देखना है, ठीक है। इनका इनऑर्गेनिक के MCQs काफ़ी बच्चों को तंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद कर लेनी है, मतलब अगर वो कोई भी अपनी रिएक्टेंट को चेंज कर लें, अगर सपोज करें कि एक रिएक्शन में ब्यूटेन है और वो प्रोपेन दे दें, तब भी आपको पता हो कि आगे रिएक्शन ने कैसे काम करना है, ये रिएजेंट क्या करेगा, ठीक है। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd डे के ऊपर MCQ सॉल्व करने और 4th डे के ऊपर लेक्चर्स देखने हैं वीक टॉपिक्स के, ठीक है। सेम वही 3rd डे जो MCQs आप करेंगे तो साथ साथ जो MCQs जिस टॉपिक ज़्यादा गलत है उसे नोट डाउन कर लें और 4th डे के ऊपर उसका लेक्चर देख लें। तो ये 14 डेज़ का प्लान है। अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं आई कैन बेट के आप जो है ना मैक्सिमम अपना दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको बिलीव चाहिए, ठीक है। इन दो चीज़ों की वजह, अगर आप जो है ना इन दो चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि PMDC ऑफिस आ रही है और PMC जा रही है, तो मैं आपको जो है ना अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जितनी भी न्यूज़ चलती है ना ये सिर्फ डिरेल करने के लिए होती हैं, आपने इसके ऊपर गौर नहीं देना।
ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखें, पीएमसी हो या पीएमडीसी हो या यूएचएस हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, जो मैटर करता है वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।